नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, थंबनेल देखकर तो आपको पता ही चल गया होगा कि बीएड वालों के लिए काफी दुखद समय आज का दिन है। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुनवाई हुई माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और फैसला जो है बीएड के विरुद्ध आया। तो इस चीज को आज हम बारी की से समझेंगे, क्या बातें थी, क्या विवाद था जो कि इतना बड़ा जो है बीएड के विरुद्ध फैसला आया। पहले चीज को समझते हैं, राजस्थान में क्या हो रहा था कि बीएसटी वर्सेज बीएड विवाद चल रहा था बहुत दिनों से। माननीय हाई कोर्ट जो राजस्थान का होता है उसने बीएड वालों को रीट लेवल वन जो होता है वहां का प्राथमिक स्तर का भर्ती उससे बाहर कर दिया था। फिर बीएड वालों ने सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट की चैलेंज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में डेट पड़ रही थी, सुनवाई चल रही थी। माननीय आज जो 19 मई है और इसका फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना दिया और बीएड वालों के विरुद्ध इसका फैसला सुनाया गया है, यानी कि बीएड वालों को रीट लेवल वन से बाहर कर दिया गया है, जो 1 से 5 तक की होता है रीट लेवल वन। अब बीएसटी वर्सेज बीएड विवाद को समझते हैं, थोड़ा समझिएगा बीएसटी होता क्या है। पहली चीज, बीएसटी राजस्थान में अगर प्राथमिक स्तर का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको बीएसटी करना पड़ता है। जिस तरह यूपी में प्राथमिक स्तर का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको बीटीसी करना पड़ता है, सेम अर्हता वहां की सेम अर्हता, यही सिर्फ नाम बीएसटी वहां है और बीटीसी यहाँ है, डेलेड यहाँ है। यही विवाद था, वहां भी बीएसटी वर्सेज बीएड विवाद था, यहाँ भी बीटीसी वर्सेज बीएड विवाद है। क्यों विवाद है कि बीएड वालों को मान्य किया गया है प्राथमिक स्तर की भर्ती में भाग लेने के लिए। यही विवाद राजस्थान में चल रहा था, उसका फैसला आ गया, बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। तो काफी दुखद न्यूज है। इस न्यूज को पहले आप न्यूज को थोड़ा देखिए, उसके बाद हम इसके बारे में और बातें करेंगे। तो चलिए, उसके अंतर्गत आप आरटी एक्ट के अंतर्गत जो एनसीटी जो काम कर रही है उसको आप निर्देशित नहीं कर सकते। और न्यायालय ने भी इसी मुख्य बिंदु के आधार पे कि सेक्शन 29 का जो पावर है वो आरटी एक्ट के ऊपर लागू नहीं होता और एनसीटी को आप किसी भी प्रकार से संशोधन करने का कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो इस प्रकार से दिया गया निर्देश है कोर्ट ने गलत माना और इसी आधार पे जो सेक्शन 23(1) के अंतर्गत जो एनसीटी ने जो अधिसूचना जारी की थी उसको रद्द किया। बीएसटीसी अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका। रीट लेवल वन से 9 लाख बीएड अभ्यर्थी बाहर, बीएसटीसी को मौका। ये जीत केवल राजस्थान के बीएसटीसी अभ्यर्थियों की नहीं, पूरे भारत के बीएसटीसी अभ्यर्थियों की जीत है, क्योंकि ये एनसीटी का कानून था, पूरे भारत के लिए कानून था। अब जज साहब ने ये कानून खारिज करके सबको राहत। तो न्यूज देखकर तो आपको पता ही चल गया होगा कि बीएड वालों को जो रीट लेवल वन होता है उससे बाहर कर दिया गया है। माननीय हाई कोर्ट का फैसला आज आ गया है। अब देखिए, कोई भी छात्र बीएड कर रहा हो या बीएड करने वाला हो, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहली चीज थोड़ा बात कर लेते हैं, अभी जो आज का एक न्यूज आया था, लगभग 6 लाख जो बच्चे हैं बीएड का आवेदन फॉर्म भरे हैं और बीएड की परीक्षा के लिए वो ये फॉर्म को भरे हैं। उसके बाद अगर वो परीक्षा निकालते हैं तो मेरिट के हिसाब से उनको स्कूल मिलेगा, कॉलेज मिलेगा, आवंटन होगा। तो ये चीज अगर कोई भी छात्र बीएड करना चाहता हो तो ये चीज को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको रीट लेवल वन यानी राजस्थान में प्राथमिक स्तर की भर्ती से बाहर किया जा सकता है तो ये मुद्दा हर किसी राज्य में उठ सकता है जहां पर बीएड से विवाद चल रहा होगा प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती से, शिक्षक बनने से। तो यही विवाद यूपी में भी चल रहा है, तो यूपी में भी हो सकता है कि आने वाले समय में बीएड वालों को बाहर किया जा सकता है। अभी तो 14 जुलाई को जो डेट पड़ी हुई है उस पर सुनवाई होगी माननीय हाई कोर्ट के द्वारा, वो सुनवाई 14 जुलाई को होगी। उसके बाद जो निर्णय आएगा वो आगे देखने वाला होगा। तो ये चीज को ध्यान रखेगा, बीएड छात्र जो भी कर रहा होगा, करने वाला होगा, इस फैसलों को ध्यान में रखेगा। हालांकि एक खुशी की बात मैं बता देता हूं बीएड वालों को, अभी कुछ समय पहले दिल्ली में प्राथमिक स्तर की जो शिक्षक भर्ती होती है उसमें बीएड वालों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो अब दिल्ली में तो प्राथमिक स्तर में उन लोगों को सम्मिलित कर लिया गया है तो खुशी की बात है, लेकिन राजस्थान में उनको बाहर कर दिया गया है। यूपी में भी विवाद चल रहा है, तो यूपी में भी हो सकता है कि आने वाले समय में बाहर किया जा सकता है बीएड वालों को।
तो कोई भी छात्र, हम उनसे आग्रह करता हूं, अगर बीएड कर रहे होंगे, करने वाले होंगे, तो ध्यान से इस मुद्दे को समझिएगा और अपने पक्ष को माननीय हाई कोर्ट में पूरी मजबूती से साथ रखने का प्रयास करिएगा। तो आज की इन्फॉर्मेशन यही था। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।